बच्चों, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने किसकी करी, आइसोलेशन की, कि प्रोटोप्लास्ट को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इस पूरे मेथड में जो अभी तक हमने बात करी है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है? आगे बढ़ते हैं प्योरिफिकेशन में। ठीक है, अगला है प्योरिफिकेशन। जो प्रोटोप्लास्ट आप लोगों निकाल चुके हैं उसको प्योर करना है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट कर लिया है उसको क्या करना है, हमें प्योर करना है। अब प्योर कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसके दो मेथड हैं। पहला है सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग मेथड, ठीक है, और दूसरा है फ्लोटेशन मेथड। पहला है सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग मेथड, दूसरा है फ्लोटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग मेथड, इस मेथड में क्या होता है, इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें जो आपने प्रोटोप्लास्ट, भाई क्या होता है, नॉर्मली जो आपने सेल लिया है, ठीक है, आपने टिश्यूज लिए हैं, टिश्यूज को आपने क्या दिया है, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया है। अच्छा, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट आपने दिया है तो उसकी सेल वॉल, मिडल लैमेला सब डिफ्यूज हुई है। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन है आपका, जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपका प्रोटोप्लास्ट भी है, ठीक है, प्लस जो सेल है आपकी उसकी डेब्रिस यानी कि सेलुलर डेब्रिस भी है, कचरा जिसमें आपकी सेल वॉल, मिडल लैमेला, बाकी सारी चीजें और बाकी टिश्यू वो भी है, सेलुलर डेब्रिस भी है, प्लस आपका सॉल्यूशन भी है, जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आपने लिया था, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस के लिए वो भी मौजूद है। तो सब चीज मौजूद है, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल प्रोटोप्लास्ट चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मेटल सीव, छलनी, छलनी होती है ना, उससे, या तो छलनी से, और नायलॉन मैश, नायलॉन के कपड़े जो होते हैं उससे हम इसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मोटा मोटा कचरा होगा, जिससे मोटा मोटा कचरा, जैसे कि जो सेलुलर डेब्रिस, जो बड़ा बड़ा जो कचरा होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपको छनने के बाद, भाई सीव है, सीव के द्वारा आपने इसको छाना है सॉल्यूशन को, नीचे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपका क्या है, प्योर नहीं है अभी तो, नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर अभी क्या हुआ है, केवल मोटा मोटा कचरा आपका सिर्फ रिमूव हुआ है, अभी जो बाकी का सॉल्यूशन है वो तो आपको बचा ही है, इम्प्योर सॉल्यूशन है वो तो आपको बचा ही है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो इम्प्योर सॉल्यूशन है इसको दोबारा आप प्योर करेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, प्रोटोप्लास्ट चाहिए, और उसके लिए हम यूज करते हैं मेथड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि जो बाकी का जो सॉल्यूशन है, बाकी का जो सॉल्यूशन है, उन सब में से जो प्रोटोप्लास्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा, वो हल्का होता है, बाकी सारा सॉल्यूशन कैसा होता है, भारी होता है, तो बाकी सारा सॉल्यूशन का हो जाएगा नीचे है, जबकि प्रोटोप्लास्ट का है ऊपर है, ग्रीन प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ग्रीन प्रोटोप्लास्ट कहाँ है आपका, ऊपर है, जबकि बाकी का सॉल्यूशन कहाँ बैठ गया, आपका सेडिमेंट होकर नीचे बैठ गया, ऊपर आपका ग्रीन प्रोटोप्लास्ट है। आपने क्या किया है, इसको रिमूव कर लिया, ठीक है, थ्रू द पिपेट आपने क्या करा है, इसको रिमूव कर दिया, यानी कि ये आपका रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी आपको संतुष्टि नहीं है कि ये प्योर है या नहीं है। अब आपने क्या किया है, इसको जो आपने रिमूव किया है इसको आपने दोबारा निकाला, ये देखो, ये रहा, ये आपने निकाल दिया। अब इसके अंदर आपने वापस एक सॉल्यूशन डाल दिया, सीपीडब्ल्यू सॉल्यूशन जिसे हमने कहा था, ठीक है, आपने डाल दिया है, डालने के बाद आपने फिर इसको क्या करा, सेंट्रीफ्यूज किया, फिर क्या किया आपने, सेंट्रीफ्यूज किया, एक पर्टिकुलर आपने रिवॉल्यूशन पर मिनट पे आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, स्पिन किया, स्पिन करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल, आपको एक फिर से क्या मिल गया, इम्प्योर प्रोटोप्लास्ट। अब आपने थोड़ी देर फिर इसको बैठने दिया, आपको फिर प्रोटोप्लास्ट मिल गया ये, ठीक है, आपने फिर इसे रिमूव कर लिया, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसे हम कम से कम 3 बार रिपीट करते हैं। इसको हम कितनी बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं। आपके पास ये मिक्सचर आ गया था, जो आपका सेलुलर डेब्रिस था या जो आपका पूरा सॉल्यूशन था उसको आपने नायलॉन मैश या मेटल सीव से आपने क्या किया, छान लिया,
छानने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल गया, ये सॉल्यूशन अभी आपका कैसा है, इम्प्योर है। अब इस इम्प्योर सॉल्यूशन को थोड़ी देर आपने क्या किया, बैठने दिया। जैसे ही आपने बैठने दिया तो कुछ प्रोटोप्लास्ट और बाकी का थोड़ा बहुत कचरा ऊपर आ गया, बाकी का सब नीचे बैठ गया। अब आपने उसको निकाल लिया ऊपर पिपेट से, अब आपने वापस उसमें सीपीडब्ल्यू सॉल्यूशन डाला और फिर वापस आपने उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो और कचरा था वो नीचे बैठ गया, प्रोटोप्लास्ट ऊपर आ गया, आपने उसे पिपेट से निकाल लिया, फिर आपने दोबारा सेडिमेंटेशन किया। तो इस तरीके से क्या किया आपने, बार बार उसको सेडिमेंटेशन किया और बार बार उसकी वॉशिंग करी और बार बार आपने प्योर सॉल्यूशन उसमें से निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस के कुछ फायदे हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी है। फायदा क्या है कि आपको प्योर प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है, जो आपने प्रोटोप्लास्ट आप चाहते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि इस मेथड से आपको प्योर प्रोटोप्लास्ट आपको मिल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा रिस्क क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हम बार बार उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोटोप्लास्ट कैन बी डीजेनरेट। प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है वो कैसा हो जाता है बच्चों, डीजेनरेट हो जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये होता है सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड कुछ भी नहीं है, फ्लोटेशन मेथड केवल ये है कि हमने भाई हम जानते हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो सेडिमेंट नीचे बैठ गया ऊपर प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, हल्का होता है, पिपेट की मदद से हमने इसको निकाल लिया और इसी को यूज कर लिया। ये होता है फ्लोटेशन मेथड कि जो आपकी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो आपका कल्चर जो था उनमें से जो आपका कचरा था या जो भी था, मतलब आपका जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन था, जैसे सुक्रोज मैनिटॉल वगैरह वो है, आपका जो सॉल्यूशन है सेलुलर डेब्रिस है, वो सब क्या है, थोड़े से भारी होते हैं तो वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होता है, हल्का होता है और ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। आपने विद द हेल्प ऑफ द पिपेट इसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया है और इसको एज अ मटेरियल या एज अ प्रोटोप्लास्ट आपने यूज किया। ठीक है, ऊपर वाले मेथड में भी यही प्रोसेस था, कर तो हम यही रहे थे लेकिन हम उसको बार बार क्या कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्योर प्रोटोप्लास्ट चाहिए, जबकि इसमें हमने क्या किया, जो प्रोटोप्लास्ट हमने मिला है उसको हमने यूज कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि ऊपर वाले में फायदा ये होता है कि प्योर मिलता है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये है कि बार बार सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से प्रोटोप्लास्ट का नष्ट होने का डर ज्यादा रहता है। क्लियर बच्चों, व्हाट इज द सेडिमेंटेशन मेथड एंड व्हाट इज द फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आती है प्रोटोप्लास्ट वायबिलिटी, कि प्रोटोप्लास्ट वायबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी, प्रोटोप्लास्ट वायबल है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए दो मेथड है, एक तो है फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस एसीटेट स्क्रीनिंग मेथड, ठीक है, फ्लोरोसेंस एसीटेट स्क्रीनिंग मेथड, और दूसरा होता है आपका कैल्कोफ्लोर वाइट मेथड। ठीक है, फ्लोरोसेंस स्टेनिंग मेथड और कैल्कोफ्लोर वाइट मेथड। फ्लोरोसेंस स्टेनिंग मेथड क्या होता है, फ्लोरोसेंस स्टेनिंग मेथड FDA, ठीक है, ये क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट है आपका, प्रोटोप्लास्ट है
अच्छा प्रोटोप्लास्ट के पास प्लाज्मा लैमेला तो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा लैमेला या लैमेलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कुछ भी कह लो, ठीक है। एफडीए इस पर जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, इसमें गेट एक्यूमुलेट, एफडीए गेट एक्यूमुलेट एट प्लाज्मा लैमेला, ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट होने के बाद ये क्या करता है, जो प्लाज्मा लैमेला में एस्टरेज होते हैं, क्या होते हैं, एस्टरेज, एस्टरेज क्या करते हैं, इस एफडीए का क्लीव कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं बच्चों, इस एफडीए को क्लीव कर देते हैं, और क्लीव करने की वजह से इसमें से लाइट निकलती है, येलो एंड ऑरेंजिश कुछ फ्लोरोसेंस इसमें से निकलती है, जो हम इसको देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। बेसिकली एफडीए स्टेनिंग मेथड क्या होता है, एफडीए क्या है, प्रोटोप्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एस्टरेज एंजाइम होते हैं, ये एस्टरेज एंजाइम इस एफडीए का क्लीवेशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इस पर काम करते हैं, और एफडीए किस में बदल जाता है, येलो एंड ऑरेंज फ्लोरोसेंस में, और जिसको आप फ्लोरोसेंस मतलब आप जो है माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देख सकते हैं, तो इट कैन, वो आपको एक राउंड, अगर आपका प्रोटोप्लास्ट राउंड शेप में है जो कि जनरली होता है, तो आपको राउंड राउंड फ्लोरोसेंट के आपको वहाँ पर सर्कल्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट शोज द कि आपका प्रोटोप्लास्ट कैसा है, जिंदा है, ठीक है, वायबल है, जो आप प्रोटोप्लास्ट आपने दिया है वो कैसा है, वायबल है। सेम कैल्कोफ्लोर है, कैल्कोफ्लोर क्या होता है, आपने प्रोटोप्लास्ट रिमूव कर दिया, प्रोटोप्लास्ट रिमूव करने के बाद अब प्रोटोप्लास्ट अपने ऊपर सेल वॉल जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, प्रोटोप्लास्ट आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद उसकी टेंडेंसी है भाई वो अपने ऊपर सेल वॉल जनरेट करेगा, तो ये जो कैल्कोफ्लोर है ये मेथड सबसे सही होता है, क्यों, क्योंकि सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट तभी बना सकता है अगर वो वायबल होगा, अगर वो जिंदा होगा, अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर सेल वॉल नहीं बनेगी, तो कैल्कोफ्लोर क्या होता है, सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल की प्रेजेंस को ये दर्शाता है, अगर सेल वॉल है तो कैल्कोफ्लोर उसके ऊपर जमा होगा उसका और वो दिखेगा, और अगर कैल्कोफ्लोर अगर वो पायबल नहीं है प्रोटोप्लास्ट आपका, तो कैल्कोफ्लोर का आपको उसके अंदर जमाव नहीं दिखेगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ये होता है आपका कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग मेथड, ठीक है। इसके अलावा और किससे पता कर सकते हैं, ये दो तो है ही है, इसके अलावा आप बाय मॉनिटरिंग ऑक्सीजन, ठीक है, बाय मॉनिटरिंग ऑक्सीजन, यानी कि आपके जो प्रोटोप्लास्ट है वो कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन को मॉनिटर करके आप पता कर सकते हैं बाय मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कि जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो वायबल है या नहीं है, अगर वो आपके अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यस प्रोटोप्लास्ट इज वायबल, और नहीं ले रहा है ऑक्सीजन, आपने देखा ऑक्सीजन बिल्कुल भी कंज्यूम्ड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोटोप्लास्ट वायबल नहीं है, क्लियर है बच्चों, चलिए, तो ये आपका यहाँ तक आपकी प्रोटोप्लास्ट वायबिलिटी और ये सारी क्लियर हो गई। अब कल हम बात करेंगे अबाउट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, दो मिनट के अंदर अंदर पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कल हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर शुरू करेंगे, एंड आई होप कि आप पढ़ रहे हैं, और अब ये कहना तो बेकार है कि आप लोग आओ क्लास लो, क्योंकि इसका मेरे को कोई असर आप लोगों पर दिख नहीं रहा है, जो बच्चे ले रहे हैं वही ले रहे हैं, चार पांच बच्चे जो ले रहे हैं, बाकियों को तो घर बैठ के क्लास लेने में भी मौत आ रही है, तो मतलब और तो क्या कह सकते हैं आप लोगों से, अच्छी बात है, मतलब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो ऑफलाइन में भी आपको मना कर दिया जाएगा, आप अपने घर ही बैठे ज़्यादा होशियार हो आप लोग, ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए, तो बाकी का प्रोटोप्लास्ट कल्चर आपको कल करवाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।